देखिए, जो इंडिपेंडेंट विधायकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि हमारे रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया जाए, और उन रेजिग्नेशंस को हाई कोर्ट ही एक्सेप्ट कर ले, ना कि क्योंकि स्पीकर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उस याचिका पर आज उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। न्यायालय एक प्रश्न कि जो याचिकाकर्ताओं की न्यायालय से गुहार थी, प्रेयर थी कि हमारे रेजिग्नेशन उच्च न्यायालय ही स्वीकार कर ले, उस प्रेयर को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट इस प्रेयर को स्वीकार नहीं कर सकता है, परंतु दूसरी तरफ उच्च न्यायालय में एक डाइसेंटिंग व्यू आया है दोनों माननीय न्यायाधीशों में। डाइसेंटिंग हिंदी के मीडिया के लिए कि उन दोनों का एक विभिन्न व्यू विचार रखे हैं कि क्या हाई कोर्ट माननीय स्पीकर को ये निर्देश दे सकता है कि वो रेजिग्नेशन को कब स्वीकार करें, कितनी जल्दी स्वीकार करें और कैसे स्वीकार करें। तो जो माननीय मुख्य न्यायाधीश का व्यू है, उन्होंने अपने फैसले में जो न्यायालय में सुनाया है, क्योंकि फैसला भी अपलोड नहीं हुआ है, परंतु उन्होंने अपने फैसले में ये सुनाया है न्यायालय में कि माननीय स्पीकर का जो पद है, जो पोस्ट है, वो बहुत उच्च दर्जे की संवैधानिक पद है। क्योंकि ये एक संवैधानिक पद है तो हाई कोर्ट किसी भी प्रकार से संवैधानिक संस्था को ये निर्देश नहीं दे सकता कि इन स्पीकर इन मामलों पर फैसला कैसे लें। परंतु माननीय न्यायाधीश ज्योत्सना दुआ रिवाल जी का मत है, जो न्यायालय में एक्सप्रेस किया गया, कि क्योंकि हाई कोर्ट 226 में जुडिशियल रिव्यू कर रहा है, जिसमें स्पीकर द्वारा रेजिग्नेशन स्वीकार ना करने के मामले को चुनौती देगी है, तो यद्यपि हाई कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा रेजिग्नेशन, ये पावर सिर्फ माननीय स्पीकर साहब के पास है, परंतु हाई कोर्ट स्पीकर को ये डायरेक्शन दे सकता है कि वो इस मामले का जल्द निपटारा करे या विद इन 2 वीक्स निपटारा करे। उन्होंने 2 सप्ताह के शब्दों का इस्तेमाल किया है कि वो 2 सप्ताह में निपटारा करे। तो जब भी ऐसी स्थिति पैदा होती है, डाइवर्जेंट व्यू आता है, डाइसेंटिंग व्यू आता है, तो डिवीजन बेंच जो है उस केस को माननीय तीसरे न्यायाधीश के समक्ष रखती है, जो प्रशासनिक स्तर पर माननीय मुख्य न्यायाधीश रखेंगे, और वो तीसरा न्यायाधीश उस मामले की पुनः सुनवाई करेंगे। तो उस सुनवाई के पश्चात जो भी फैसला माननीय तीसरे न्यायाधीश देंगे, वो फैसला अंतिम फैसला होगा। क्या वो थर्ड बेंच को रेफर किया गया है, क्या वो लिमिटेड पॉइंट पर ही देंगे, स्पीकर को निर्देश दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इसी मुद्दे पे करेंगे या दोबारा से पूरे मामले की सुनवाई करेंगे? देखिए, होगा लिमिटेड फैक्ट्स पर ही, वो लिमिटेड क्वेश्चन माननीय डिवीजन बेंच ने बना दिया है, और वो प्रश्न जो तीसरे न्यायाधीश के समक्ष जाएगा वो यही प्रश्न है, वेदर हाई कोर्ट कैन डायरेक्ट द स्पीकर टू डिसाइड द कंट्रो इशू इन ए पर्टिकुलर मैनर और इन ए पर्टिकुलर टाइम। वो इशू कोर्ट ने बना दिया है, अब थर्ड जज उन्हीं पर ही अपना मत प्रकट करेंगे। परंतु न्यायालय में ये प्रेसिडेंट्स है, ये ऐसी प्रक्रिया रहती है, क्योंकि थर्ड जज ने उस केस को कभी नहीं सुना है, तो जब उन्होंने कभी उस केस को नहीं सुना तो उन्हें पूरे केस को नए सिरे से सुनना पड़ेगा, और सुनकर ही फैसला किया जा सकेगा। तो ये एक प्रैक्टिस है कि वो पूरे तरह से रीओपन होगा केस। क्या ऐसे मामलों सर पहले भी फैसले आए हैं, तो क्या उनका भी हवाला दिया गया है यहाँ पर? देखिए, अभी मैंने जजमेंट पूरी तरह नहीं पढ़ी है, लेकिन जो मोटी मोटी जजमेंट मुझे ज्ञात हुआ है, जो न्यायालय में बताया गया है, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अपने फैसले में 2 बातों पे बहुत प्रकाश डाला है। एक कि स्पीकर का जो पद है वो बहुत ऊंचा संवैधानिक पद है, हाईएस्ट एस्टीम में रखा जाता है उस पद को, इस कारण इस गरमा में पद को हाई कोर्ट डायरेक्शन नहीं दे सकता है, उन्होंने ये बहुत स्पष्ट किया है। परंतु जो जस्टिस ज्योत्सना दुआ रिवाल जी की जजमेंट है, वो उसमें उन्होंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, तो वो अभी हमें पता नहीं चल पाया। तो जैसे ही ये जजमेंट अपलोड होगी, वो जनता की
निरीक्षण के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए वो वेबसाइट हिमाचल हाई कोर्ट पे अवेलेबल रहेगी। अगली तारीख क्या कोई मुकर्रर होगी? नहीं, इसमें अभी ये जो मामला है प्रशासनिक स्तर पर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर माननीय मुख्य न्यायाधीश जी के पास जाएगा, माननीय मुख्य न्यायाधीश फिर इसे थर्ड जज को रेफर करेंगे और वो डेट जो है वो कॉज लिस्ट में वो मामला लगेगा, तब वो डेट आ जाएगी। क्या इसका इस फैसले का क्या अब स्पीकर के पास जो याचिकाएं है ऑलरेडी है क्या उन पे तो उनकी वो तो सुनवाई कर सकते हैं, इसका कोई उनकी सुनवाई पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा? देखिए ये बहुत संवैधानिक रूप से तीन इंडिपेंडेंट एमएलएज ने इस मामले को पेचीदा बना दिया है, अगर वो हाई कोर्ट को अप्रोच नहीं करते तो मेरा ये मानना है कि स्पीकर महोदय इस मामले पर तुरंत कार्रवाई कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने जिस दिन हाई कोर्ट में वो डेट लगी उसी दिन की डेट उन्होंने पहले ही फिक्स की थी कि आप अपना जवाब दें, परंतु इस इन बिटवीन उस डेट को लगने से पहले उन्होंने हाई कोर्ट अप्रोच कर लिया। अब हाई कोर्ट में जब मामले की पूर्ण सुनवाई होगी तो स्पीकर साहब ने इन बिटवीन ये एक फैसला ले लिया था कि अब हाई कोर्ट के फैसले को आने देते हैं, उसी अनुसार अगली कार्रवाई की जानी उचित है, क्योंकि जब दो संवैधानिक संस्थाओं में मामला चल रहा हो तो ये उचित होता है कि एक संवैधानिक संस्था उस पर पूर्ण रूप से अपना विचार प्रकट कर ले, ताकि जो दूसरी संवैधानिक संस्था है वो हारमोनियसली उस मामले को डिसाइड करे। अब फिर ये मामला लंबित है हाईकोर्ट में, अगर स्पीकर साहब जो उन्होंने पहले अपना व्यू रखा है कि हाईकोर्ट में मामला लंबित होने की वजह से मुझे नहीं सुनना चाहिए, आगे की कार्रवाई को बढ़ाना नहीं चाहिए, अब लगता है क्योंकि ये मामला एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बन गया है, प्रश्न बन गया है कि क्या संवैधानिक संस्था को हाई कोर्ट इस प्रकार से निर्देश दे सकता है, तो मुझे मेरा ये पर्सनल मत है कि माननीय स्पीकर साहब को अब थोड़ा और इंतजार करके इस फैसले का पूर्ण रूप से निपटारा हो जाना चाहिए हाईकोर्ट से, एक बार हाईकोर्ट से मामला पूरी तरह से समाप्त हो जाए, वो इंडिपेंडेंटली बिना किसी प्रकार की हाई कोर्ट की इंटरवेंशन से या बिना और किसी प्रकार से वो इंडिपेंडेंटली अपना मत व्यक्त कर सकते हैं। और दूसरी बात, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अपने फैसले में ये भी क्लियर किया है कि उन्होंने जो रेजिग्नेशन है वो जेन्युइन है या इन ठीक नहीं है या ठीक है, उस पर किसी प्रकार का कोई मेरिट पे मत व्यक्त नहीं किया है। तो इस उनका कहना है कि ये मेरिट पे जो ये मत व्यक्त करना, ये माननीय स्पीकर का क्षेत्राधिकार है, तो हाई कोर्ट इस मामले में किसी प्रकार से कोई मत व्यक्त नहीं करेगा। थैंक यू। तो मैं आप कोर्ट की ओर